हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आचार्य मैथ क्लास। तो जमीती मुझे प्लस टू फर्स्ट ईयर क्लास मुझे आज ठार नहीं आसवि, तो मुझे आसीच्ची आज आम प्लस टू फर्स्ट ईयर जो मैथ अच्छी तो मैथ रे प्रथम विषय आज पढ़ाक जा तो डेरी नक चलत स्टार्ट करवा आज विषय मैथमेटिकल रिजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग माने कौन ना मैथमेटिक्स रे कौन कौन सेंटेंस गुड़िक एक्सेप्टेबल हम स्टेटमेंट हिसाब रे, तो सेटा को आम मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट बोली कहवा, तो से विषय आम आज पढ़ाक जा। तो विशेष किसी आपड़ बुझीपारे निहाते आम जब पढ़ा स्टार्ट करदे से आराम से बुझीपारे, तो चलत स्टार्ट करवा मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट। तो मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट माने कौन, माने कौ सेंटेंस टाकु आम मैथमेटिकली एक्सेप्ट करिबा, पर मैथमेटिकली हम से एक्सेप्ट करले जहाँकि आम से कौन हो मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट हो पार कौन ना से मुझे कहली जो आम कौन कथबार्ता करे आर्गुमेंट करे, तो ये कौन होजर जो मैंने आमर निज निज भर जो कथबार्ता को आम कौन माध्यम प्रकाश करे सेंटेंस माध्यम प्रकाश करुचे ओबियसली, तो आम परस्पर सहित गोटे सेंटेंस माध्यम आम परस्पर कथ को व्यक्त करुचे, तो सेटा मे बी एक्सलामेटरी हो पारे क्वेश्चन रे हो पारे बा ऑर्डर हो पारे बा गोटे विश हो पारे, एमती विभिन्न प्रकार सेंटेंस अच्छी। तो जहाँ किसी जो सेंटेंस रो किसी लॉजिकल मीनिंग थी लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन रोथ्वर लॉजिकली तार किसी रीजनिंग मीनिंग बाहर के आसत से आम केवल मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल कर, तो सहीटा को आम कह मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट। तापर देखा कौन ना प्रोपोजिशन कौन देखा यूठू पाठ स्टार्ट है प्रोपोजिशन। पाठ स्टार्ट है पिला माने एउठु प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन कौन प्रोपोजिशन कहले कौन बुझिबो गोटे पूरा सीधा सीधा रे बुझ दे जो गोटे स्टेटमेंट बा जोटा गोटे आमर गोटे सेंटेंस अछि जदि से सेंटेंस रे जदि गोटे ट्रुथ वैल्यू थिबो बा गोटे फॉल्स वैल्यू थिबो दीटा केबे हेइ पारिबो नाही, आइदर से ट्रु हबो आइदर से फॉल्स हबो, दीटा ट्रुथ फॉल्स केबे एका संगे से माने हेबे नाही, तो सेइटा को आमे कहबा कोन ना प्रोपो जिसन बुझेला कौन ना सीधा सीधा कथा रे ना जोटा ट्रुथ थी ट्रुथ हम जोटा फॉल्स थी फॉल्स थी एट ए टाइम ट्रुथ फॉल्स से मैंने पारे ना, तो सहीटा को आम कौन कह प्रोपोजिशन आउट आम कहीपर मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट। तो तार डेफिनेशन टा मुझे लिखुची नोट डाउन करनी A proposition is a declarative sentence which is either true or false. But not both. बुझेला पर डायरेक्टली मुझे कहली देख ए proposition is a declarative sentence which is either true or false. बट नॉट बोथ बुझेला, तो प्रोपोजिशन कौन ना गोटे सेंटेंस जो सेंटेंस टी कौन ना आइदर ट्रु हबो और आइदर फॉल्स हबो ट्रु हबो किंबा फॉल्स हबो बट नॉट बोथ दीटा वैल्यू केबे तार ट्रु फॉल्स रहइबो नाही, एबे ताकु आमे कहबा कौन ना प्रोपोजिशन। गोटे एग्जांपल ले नबा दीटा मु सेंटेंस लिखी दीटा सेंटेंस कौन लिखी ना दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, मैंने दिल्ली होउची आम भारतर राजधानी,
तो दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया आम जाने ये ट्रु कहीं भारत राजधानी किए दिल्ली तो ये आम जाने ट्रु तेनालीटा कौन है ट्रु है तो दिल्ली इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया लिखला दिल्ली इंडिया भारत राजधानी नुहे तो आम जाने ये फॉल्स हम तो ये आम फॉल्स लिखले तो यही को आम कौन कह मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट बा प्रपोजिशन तो दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया यहाँ ट्रुथ अच्छी दिल्ली इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया यहाँ फॉल्स अच्छी तो यहाँ को आम कौन कह प्रपोजिशन पे नोट डाउन करने युवा सब नोट डाउन करने युवा सब डेफिनेशन गुड़ी नोट डाउन कर खातार लिखे नब भिड को पज कर लिखे नब एमें जा कौन ना ट्रुथ वैल्यू आम कौन पढ़ा एवं ना ट्रुथ वैल्यू ऑफ ए प्रपोजिशन कौन पढ़ा ना ट्रुथ वैल्यू ऑफ प्रपोजिशन लिखनी पे नोट डाउन करनी ट्रुथ वैल्यू ऑफ प्रपोजिशन ट्रुथ वैल्यू ऑफ प्रपोजिशन माने कौन ना व्हेन ए प्रपोजिशन इज ट्रू तो जेते बेले गोटे प्रपोजिशन बा गोटे स्टेटमेंट ट्रू हबो वी से दैट इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी बा ट्रू तो सेते बेले आमे कौन कहिबा ना तार ट्रुथ वैल्यू होउची टी जदि फॉल्स इफ फॉल्स तबे आम तार ट्रुथ वैल्यू कौन लिखा ना ट्रुथ वैल्यू होउची तार कौन ना एफ तो एटा होची ट्रुथ वैल्यू ऑफ ए प्रपोजिशन पिला माने नोट डाउन कर नेल एबे आम देखिबा एग्जांपल तो मुझे दुटा सेंटेन्स लिखी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन टू इज ग्रेटर देन फाइव तो मुझे दुईट स्टेटमेंट बा दुईट सेंटेन्स लिखिदेई द अर्थ मूव्स अराउंड द सन टू इज ग्रेटर देन फाइव तो मत कहतु फास्ट एटा स्टेटमेंट कि नुहे बा प्रपोजिशन कि नुहे मुझे जानमी केमी कौन कही प्रपोजिशन बा स्टेटमेंट बा मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट केत जितेबाला गोटे सेंटेन्स जदि सार ट्रुथ वैल्यू ट्रु थी बा फॉल्स थी दुईटा नथिबो केवल ट्रुथ ले ट्रुथ थी फॉल्स ले फॉल्स थी सेटा को आम कह प्रपोजिशन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन तो पृथ्वी सूर्य चारिपटे घरे तो ये आम जाने ट्रुथ अच्छी तेनालीरु ट्रुथ वैल्यू कौन ट्रुथ वैल्यू हम टी तो देखा टू इज ग्रेटर देन फाइव तो टूटा कौन ना पाँच ठारू कौन ना बड़ तो ये आम जाने फल्स तो यहाँ कौन हो गला ना फल्स आर ट्रुथ वैल्यू के ना फल्स तो आर ट्रुथ वैल्यू टी आर ट्रुथ वैल्यू हूँ एफ बा फल्स तो एबे पूरा बुझी गल जे
प्रपोजिशन बा मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट जेटा मैथमेटिकल रीजनिंग कहे क्या बुझा ना जो सेंटेंस गुड़िकर जोटा तार कि लॉजिकल मीनिंग रीजनिंग थी ताकू आम स्टेटमेंट नवा बा प्रपोजिशन कहवा केतबेले कहवा ना जिते बड़े तार ट्रुथ वैल्यू थी आइदर ट्रुथ थी आइदर फॉल्स थी दुईटा केवे बथ हो पार ना से आम मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट बा प्रपोजिशन कहींपर मु बारंबार यू ये कहे पे निहाती तुम आराम से बुझीपर बोली बारंबार रिपीट कहीं जेहेतु मझे तुम कल भूली जापार से बारंबार रिपीट करुच्ची तो एवं आम जा कौन ना कि नियम को जीवा बा किसी तार जो अच्छी आमर मानने रूल्स अच्छी कौन गुड़ाक प्रपोजिशन हेबो नाही तो आम तो जाणीगले प्रपोजिशन कौनटा जोटा ट्रुथ वैल्यू थी तो प्रपोजिशन कौन गुड़ाक हेबो नाही से गुड़ाक जब आम जान ना तेज आम डिडक्ट आराम से कर तो चल देखने से गुड़ाक तो पिलामने ए सेंटेंस कैन नॉट बी कॉल्ड ए स्टेटमेंट इफ तो कौन कौन सेंटेंस को आम स्टेटमेंट कही पारिबा नाही बा मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल कर पारिबा नाही कौन गुड़िक ना जदि कौन सतटा पॉइंट अच्छी सतटा पॉइंट पूरा मन रखीदेव दे प्रपोजिशन चिन्हार असुविधा रही ना इट इज एन एक्सक्लामेशन जदि एक्सक्लामेशन विस्मय सूचक किसी वाक्य थी से प्रपोजिशन हो पार ना जदि से ऑर्डर बा रिक्वेस्ट थी पार ना जदि क्वेश्चन मार्क थी प्रपोजिशन हो पार ना जदि वेरिएबल टाइम यस्टरडे टुडे टुमरो जदि सेंटेंस रे मेंशन होती तेज से आपंकर प्रपोजिशन हो पार ना जदि वेरिएबल प्लेस जदि हियर देयर एवरीव्हेयर जदि एगुड़ाक थी तेज एगुड़ाक प्रपोजिशन हो पार ना हि सी दे एमती जब प्रोनाउन जब मेंशन हो तो सी भी आपंकर प्रपोजिशन हो पार ना गुड ब्यूटीफुल जदि एडजेक्टिव एमती थी तेज से भी प्रपोजिशन जीव ना तो ये तो रूल्स जो सेंटेंस कौन गुड़िक स्टेटमेंट बा प्रपोजिशन हो पार ना तो पज कर नि वीडियो को पज करके सब रूल्स गुड़ी लिखि ओके एबे आमे कौन करिबा आर किसी सिंपल एग्जांपल ये सब एग्जांपल नहीं कि आम जाने ना जे कईटा प्रपोजिशन कौनटा प्रपोजिशन नुहे तो मुझे गोटे एग्जांपल देली सेवेन इज लेस देन फाइव सेवेन इज लेस देन फाइव एटा गोटे स्टेटमेंट हबो
कि नहीं बा प्रोपोजिशन हम कि नहीं ना गोटे स्टेटमेंट हम एपाई हम कहीं आर ट्रुथ वैल्यू हूँ कौन ना फॉल्स माने कौन ना सात पाँच ठारू सान तो सात पाँच ठारू सान नुहे बड़ तो यहाँ जेहेतु मिछ बा फॉल्स अच्छी तेणु आर गोटे ट्रुथ वैल्यू बाहर ट्रुथ वैल्यू कौन बाहर ना सेवेन इज लेस देन ट्रुथ वैल्यू हूँ फॉल्स बा एफ सो यहाँ से गोटे कौन हम ना स्टेटमेंट हो तो आम आंसर रे कौन लिखा तो कौन लिखा तो दिस इज फॉल्स बा कौन लिखा ना ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस सेंटेंस इज फॉल्स जहाँ लिखले हम द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस सेंटेंस इज फॉल्स बा दिस इज फॉल्स सो इट इज ए स्टेटमेंट बुझीला बहुत सहज अच्छे विषय डरबार नहीं आराम से बहुत बढ़िया हम प्लीज ओपन द डोर प्लीज ओपन द डोर एटा गोटे स्टेटमेंट हम कि ना एटा सीधा सीधा आम जापर एट गोटे स्टेटमेंट हम ना कहीं हम ना आम जेहेतु जस्ट सतटा रूल लिखिकी आसते सतटा रूल कौन थी ना जदि अर्डर दे थो तो सेटा कौन ना स्टेटमेंट हो पार ना तो देख प्लीज ओपन द डोर एटा कौन अच्छी गोटे अर्डर अच्छी तेणुक यहाँ कौन हम स्टेटमेंट हो पार ना तो कौन लिख दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट है दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट इट इज ए रिक्वेस्ट कौन ना दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट इट इज ए रिक्वेस्ट तापर सेकेंड को जीवा थर्ड को जीवा थर्ड एग्जांपल Ram is an intelligent student. कौन देला राम इज एन इंटेलीजेंट स्टूडेंट तो यहाँ गोटे स्टेटमेंट हम कि नहीं पूरा सीधा सीधा आराम से जापार जो इंटेलीजेंट इंटेलीजेंट कौन ना इंटेलीजेंट गोटे कौन ना अनडिफाइंड टर्म एटा कौन ना गोटे अनडिफाइंड टर्म बा एडजेक्टिव आम जस्ट टी आगे रूल्स लिखिक आसते यहाँ गोटे एडजेक्टिव इंटेलीजेंट गोटे एडजेक्टिव यार कौन से डिफाइन करूना तेरे राम इज एन इंटेलीजेंट स्टूडेंट तो यहाँ कौन हम ना स्टेटमेंट हम ना तुम्हें कौन लिखा आंसर रे इज नॉट ए स्टेटमेंट तबर आउट देखिएगा क्वेश्चन व्हेयर आर यू गोइंग तो पिला माने एटा बो एटा तमे जानि गलोनी एटा कोन मते कहियो पड़िबनी जे एटा गोटे स्टेटमेंट नुहे पिला माने बहुत बढ़िया तमे जानि परछो जे एटा स्टेटमेंट नुहे काई कि ना व्हेयर आर यू गोइंग एटा गोटे क्वेश्चन मु कहितली सातटा रूल्स रे जे क्वेश्चन जदि थिबो सेटा स्टेटमेंट हे परिबो नाइ तो एटा के कोन जानि गले इज नॉट ए स्टेटमेंट ओके आउ टिके तुमको कष्ट दौची जापर कि नहीं देखियो पिला माने पिला माने टिके कष्ट हो जाइथिबो हम तो जानी पारछी एक्स इज लेस देन फाइव एटा गोटे स्टेटमेंट कि नुहे कहले देखिया पिला माने भाविल कौन हम टिके डाउट्रे थी कहीं एमती तो सार कही ना कौटू कौन पड़े आसला जान हो ना एक्स इज लेस देन फाइव एटा गोटे स्टेटमेंट हम कि ना हो तो मन रख देख जिते बड़े आम करुले सेभेन जदि सेभेन था सेभेन इज लेस देन फाइव तो सेटा सांगे सांगे जाणी जाऊ कौन ना सेभेनटा पाँच ठारू कौन लेस नुहे
ବା ଛୋଟ ନୁହେଁ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତା'ର ଟ୍ରୁଥ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଫଲ୍ସ ଥିଲା ବା ଏଫ୍ ହବ ଫଲ୍ସ ତେବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଫାଇଭ ଏଠାରେ ଦେଖ ଏକ୍ସର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ଦେଇନାହିଁ ହେଲା ତ ଏକ୍ସର କ'ଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ଦେଇନାହିଁ ହେଲା ତାହେଲେ ଏକ୍ସ କ'ଣ ଏଠି ଅଛି ନା ଅନ୍ଡିଫାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ ତ ମନେ ରଖିବ ଯେଉଁଠି ଯାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇନଥିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଆନ୍ସର୍ ବୁଝିହେଲା ତ ଯଦି ଏଠି ସେଭେନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ଆରାମସେ କରିପାରିଥାନ୍ତା କାହିଁକି ସେଇଟା ଫଲ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଯଦି ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ଯାହା ଦେଇଥାନ୍ତା ତ ଏକ୍ସର ଗୋଟିଏ ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ଆରାମସେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଟ୍ରୁ କି ଫଲ୍ସ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏକ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନ୍ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଟର୍ମ କ'ଣ ଏଠି ଅନ୍ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଟର୍ମ ସ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଓକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଦେଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଇଫ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେମିତି ତା ଆଗର ଗୋଟେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆଗ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ କହିଥିଲି ଯଦି ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଥିବ ବା ଏକ୍ସ ଯଦି ଡିଫାଇନ୍ କରିଥିବ ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହିଦେବା ଏଠାରେ ଦେଖ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିଛି ୱାନ୍ ବୋଲି ତେବେ ଆମେ ଏଠି ୱାନ୍ ପକାଇବା ୱାନ୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ଟୁ ତ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ କେତେ ଏଇଟ୍ ଏଠାରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ସେଭେନ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ତ ଫଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା ଯାହାର ଟ୍ରୁଥ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଥିବ ଟ୍ରୁ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଫଲ୍ସ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯଦି ବର୍ଥ ଥିବ ତେବେ ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ ତ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ନାଇଁ ଯେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଏଠାରେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିଦେଇଛି ୱାନ୍ ବୋଲି କରିଦେଇଛି ଆଉ ଟ୍ରୁଥ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ଟ୍ରୁଥ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ଫଲ୍ସ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇକି ବା ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ନିହାତି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସୁଯୋଗର ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ବସିକି ଆରାମସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ପୁଣି କାଲି ନେଇ ଆସିବି ଫିଜିକ୍ସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଟା ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଥିଲା ତ ଆମେ ମ୍ୟାଥ୍ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆର ଏତିକି ଥିଲା ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ନଟ୍ଡାଉନ୍ ପଜ୍ କରିକି ନଟ୍ଡାଉନ୍ କରିନେବ କିଛି ଟେନସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ ଆରାମସେ ପଡ଼ିବ ତ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ ଯେ ଏଠାରେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ